जी सर। आज मुतालिका रुकन असेंबली जनाब मुमताज़ अहमद खान साहब की नुमाइंदगी पर हलका असेंबली चार मीनार खिलवत ग्राउंड में कोविड 19 के टेस्टिंग के लिए एक मोबाइल गाड़ी का यहां पर इंतजाम किया गया और उसका इफ्तिताह भी एमएलए साहब ने किया है। मेरी मीडिया के जरिए से आवाम तक एक पैगाम मैं पहुंचा रहा हूं, गुजारिश कर रहा हूं कि आप तमाम से गुजारिश है कि आप ये कोविड 19 के वायरस के सिलसिले में आप बेहतर जानते हैं कि पूरे मुल्क में अब तक करीब 55,000 लोगों की मौत इस वायरस से हो चुकी है और रियासत तेलंगाना में 744 लोगों की अमवात सिर्फ कोविड वायरस से हुई है। और आज के जो तेलंगाना में जो आदाद और शुमार आए हैं जिसमें ये बात बताई गई है कि जुमे के दिन जो टेस्टिंग हुई उसके जो नतीजे आए हैं करीब 1200 के करीब लोगों को कोविड हुआ है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने शहर हैदराबाद में या हमारे मुल्क में जहां कहीं भी हम रहते हैं या किसी ज़िले में रहते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप इस वायरस को रोकने के लिए अपना टेस्ट करवाएं। ये टेस्ट फ्री में हो रहा है और अगर खुदा ना खास्ता ये टेस्ट में ये बात मालूम होती है कि किसी को पॉजिटिव आया है तो फौरन उनका तिबी इलाज या अस्पताल से उनको रुजू करवाया जाता है। तो मेरी आप तमाम से ये गुजारिश है कि ये कोविड 19 का वायरस हमारे दरमियान में है और इसको रोकने के लिए सबसे अहम काम जो हम सबको मिलकर करना है, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, वो ये है कि हम अपना टेस्ट करवाएं और टेस्टिंग से ही हम इस वायरस को रोक सकेंगे। मैं आप तमाम से गुजारिश कर रहा हूँ कि ये जो सहूलत आज मुतालिका मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के रुकन असेंबली की नुमाइंदगी पर खिलवत ग्राउंड में शुरू किया गया है, आप आइए या जहां कहीं भी जो हुकूमत की तरफ से मुख्तलिफ मुकामात पर ये टेस्टिंग करवाई जा रही है उसमें हिस्सा लीजिए और कोविड वायरस को रोकने के लिए बहुत। और एक और अहम बात यह है कि आप इस बात को समझिए कि ये कोई मायूब बात नहीं है कि अगर किसी को वायरस होता है, वायरस किसी को भी हो सकता है क्योंकि ये पूरे मुल्क में, पूरी रियासत में, तकरीबन पूरी दुनिया में फैल चुका है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि अपना टेस्ट करवाइए और फिर से मैं कह रहा हूँ ख़ास तौर से जो हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं, जो हमारी हामिला बेटियाँ बहन हैं, वो अपना टेस्ट करवाएं, जिनको डायलिसिस करवाना है वो अपना टेस्ट करवाएं, जो जिनको कार्डियक प्रॉब्लम है, कल्ब के अमराज का इलाज हो रहा है, जिनके फेफड़ों का इलाज हो रहा है या कैंसर का इलाज हो रहा है, वो ज़रूर अपना टेस्ट करवाएँ क्योंकि खुदाना खास्ता अगर उनको पॉजिटिव होता है तो फिर उनकी सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। और मैं तीसरी बात ये कहना चाहूँगा आप तमाम से कि आप जब कभी भी अपने घर से बाहर निकलेंगे, मेरी आपसे गुजारिश है प्लीज़ आप अपने चेहरे पर मास्क लगा कर निकलिए, ये बहुत ज़रूरी है। अफसोस की बात यह है कि बहुत से लोग जो रास्ते में रोड पर नज़र आते हैं वो मास्क नहीं लगा रहे हैं, ये आप वायरस को दावत दे रहे हैं अपने करीब आने के लिए। मास्क को पहनना बहुत ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखना बेहद ज़रूरी है और टेस्टिंग करवाना ये भी बेहद ज़रूरी है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इन तमाम चीज़ों पर गौर करिए और याद रखिए कि अगर आप ज़रा सी भी कोताही और काहली करेंगे और इस वायरस का टेस्टिंग नहीं कराएंगे या इसका सही वक्त पर इलाज नहीं शुरू करेंगे तो खुदा ना खास्ता आप अपनी जान को भी खो सकते हैं या फिर गैर ज़रूरी आप अस्पताल में शरीक होकर, अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में चले गए
तो लाखों रुपये के अखराजात वहाँ पर आपको बर्दाश्त करने पड़ेंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि प्लीज़ आप टेस्टिंग करवाइए, मास्क पहनिए, अपने हाथ को धोते रहिए, अपने बुज़ुर्गों का, अपने बीमार लोगों का ख्याल रखिए और हम सब मिलकर इंशाअल्लाह ताला इस कोविड वायरस को रोकेंगे। और हम अल्लाह से दुआ भी करते रहेंगे कि अल्लाह सुबहाना व ताला अपने फजल करम से अपने जलाल को जमाल में तब्दील करके इस मुल्क से और इस पूरी दुनिया से अल्लाह इस वायरस को उठा दे।